राहे बदले या बदले वक्त हम तो अपनी मंजिल पाएंगे। अरे राहे बदले या बदले वक्त हम तो अपनी मंजिल पाएंगे। और जो समझते थे खुद को बादशाह एक दिन उनको अपनी दरबार में जरूर नचाएंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो आए पब सब बढ़िया होंगे अच्छे होंगे। तो तुम्हारा भाई उतरा था आइसलैंड और आइसलैंड उतरते मुझे सामने से VSS मिल जाती है और सामने से AK भी मिल जाती है। और यहाँ से भाई दोनों गन उठाते हैं, हम यहाँ से बोट पकड़ते हैं और चलते हैं आगे की साइड। तो भाई हम अपने टीममेट को बैठाते हैं बोट में और भाई आगे की साइड चलते हैं। आगे की साइड यानी मतलब भाई बंदों की साइड चलते हैं हम, कि भाई यहाँ पर कोई बंदे वगैरह नहीं थे तो भाई यहाँ पर वेस्ट करने का टाइम कोई मतलब नहीं निकलता था। और हम अपने यहाँ से UZ उस जगह से उठाते हैं और आगे की साइड चलते हैं, ठीक है। तो आगे की साइड यहाँ पर फैक्ट्री से मुझे शॉट्स वगैरह आ रहे थे फायरिंग की, तो मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ और सामने कुछ बंदे मुझे दिखते हैं। तो भाई हम इनको आगे पेलते हैं, उनके बाद कुछ बोलते हैं। और यहाँ पर सुमंत कुमार को भाई लपेट लेते हैं अब, ठीक है। और भाई फर्स्ट किल देख रहे हो, कैरिबियन ने चोरी कर लिया था। तो भाई समझ रहे हो भाई हरामी मानुस हो रहा है भाई आजकल। तो भाई यहाँ पर अपना एनर्जी ड्रिंक भाई फुल रखते हैं वैसा। और सामने की साइड मुझे बंदे दिखते हैं उस सामने वाले घर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सोच रहा था कैसे एंगल बनाऊँ और भाई मैंने कुछ एक बुलेट मारी, उसने भाई 2 मिनट मारे के मेरे को डैमेज कर दिया भाई। तो बदला आ गया था भाई, मैंने सोचा नेट लिया और भाई यहाँ पर रस कर दिया। एक नेट फेंका तो नेट से कोई काम बना नहीं, तो यहाँ पर मैं आया और देखा भाई रस कर देते भाई कि जोन भी आ गया था अपना। तो भाई आपने 2 बंदों को पेल दिया है, ठीक है। तो भाई इसी बात पर एक शायरी हो जाए। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, अब बंदा डरता है तो सिर्फ अपने बाप के मार से। और भाई यहाँ पर आते हैं भाई, तो आप ही देख सकते हो मैंने उतने देर UZ का पीछा किया। और यहाँ पर एक बंदा आता है, उसे भाई नॉक करता हूँ मैं। आजकल मेरा फोन कुछ ज्यादा ही लैग करने लग रहा है भाई। क्या भाई, जैसे जैसे अपडेट पड़ रहा है वैसे वैसे लैग भी इसका बढ़ रहा है। और इस 2 बंदे को पिट ला भाई, देख के भाई 2 टीममेट कहाँ थे ये भी मुझे पता नहीं था। तो भाई इन्हें भी हम निपटाते हैं और आगे की साइड चलते हैं। तो भाई आगे की साइड जैसे हम ड्रॉप से भाग रहे थे मतलब जा रहे थे, मुझे पता नहीं था कि आगे की साइड बंदे हैं। और भाई एकदम तगड़ा वाला डैमेज पड़ता है। और देखना बंदे कहाँ मतलब बैठे रहते भाई, इतने भाई हराबी मानुस हो रहे भाई, कहीं घर भर में नहीं भाई, छोटी कुठलिया में जाके बैठेंगे भाई, देख रहे हो लौंडे को। तो भाई यहाँ पर हम सामने की साइड हम मुझे बंदे दिख जाते हैं, ठीक है, देख लो। और यहाँ पर भाई एक टीममेट मतलब एक स्क्वाड या एक 2-3 बंदे गाड़ी से फट के मर जाते हैं, ठीक है। और भाई मारने वाला देखो कौन था। तो भाई एक बंदे को हम लपेटते और यहाँ पर भाई ऐसे रॉक होने वाला और भाई आँख से आंसू निकल जाते हैं, ठीक है, देखो भाई हमारी गोलियों का कोई मतलब ही नहीं भाई। ये लोग मार लो भाई, लो भाई फिनिश ही कर डालो भाई। पर कह रहे भाई स्टेल का लिया रहता तो भाई अपना मोर्चा वो संभाल लेता और भाई मेरे को यहाँ पर किल मिल जाता है। अपने टीममेट से कहता हूँ भाई मेरे शरीर पे हाथ रखो, मुझे जीवन दान दे। और भाई जीवन दान देने के बाद हम इस साइड जैसे ही आए हुए रहते हैं तो देखना भाई यहाँ पर भी कैसा डैमेज पड़ने वाला है, देख रहे हो भाई। लौंडे कतई प्रो है भाई, सिर्फ 10 HP भाई नहीं 1 HP पे छोड़ा भाई, देख रहे हो लौंडे को। भाई मैं कहता हूँ इसका बदला तो लूंगा भाई, मैं यहाँ पर चुपचाप ब्रश कर देता हूँ। नहीं नहीं चाचा सो लो चाचा, यही कर लो तुम। हैं बताओ हम इतने देर से भाई तुम्हें ढूंढ रहे हो और ये सीन दे रहे हो भाई। उसके बाद इस साइड फ्लेयर चल रहे थे तो हम इस साइड चुपचाप चले आते हैं। और भाई एक बंदा आप बच रहा है, देख रहे हो 2 बंदे हैं और एक बंदा मतलब एनिमी है, 2 बंदे हम हैं और एक बंदा एनिमी है। तो भाई हम उसे ढूंढ ही रहते हैं। तो यहाँ पर चिकन डिनर हो गया, तो इसी बात पे एक सारी हो जाए।
देखा तो फिर रात याद आ गई, गुड नाइट कहने की बात याद आ गई। अरे देखा तो फिर रात याद आ गई, गुड नाइट कहने की बात याद आ गई। हम बैठे थे सितारों की पनाहों में, अरे हम तो बैठे थे सितारों की पनाहों में, जब चांद देखा तो आपकी याद आ गई।